अपने गाड़ी को अभी 5-6 लाख चला चुके हैं, ज्यादा नहीं था, 10-11 गाड़ी चली रखा था हमने, 10-11 गाड़ी तो क्या टंकी फोड़ के निकाले से कूड़ा? लीलैंड में थकान बहुत आता है इसलिए। अच्छा, लीलैंड में थकान आता है। कार दोस्तों, स्वागत हमारे एक वीडियो में, एक और वीडियो में। दोस्तों ये सामने देख सकते हैं, ये टाटा की तरफ से आने वाला टाटा सिग्ना 49-23 मॉडल जो गाड़ी का है, जो घोड़ा बॉडी में आता है। साथ में देख सकते हो आप इसमें 10 टायर में आती है बॉडी पूरी। उसके बाद साथ में पीछे ट्रॉला लगा हुआ है जो कि 10 टायर का ट्रॉला पीछे लगा हुआ है। ये 41 टन लोड लेके चलता है गाड़ी माल पे। और बात करें पावर की, तो इसमें 229 HP का पावर मिल जाता है ट्रक देखने के लिए। साथ में आपको उसमें 5883 CC का इंजन 6 सिलेंडर के साथ में मिल जाएगा देखने के लिए। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं भैया से, ड्राइवर से, जो भी इनको चलाते हैं, कि उनकी इनकम कितनी है, कि ट्रक कितना छोड़ता है, कितना कमाते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा लास्ट तक, आपसे सारी कुछ जानकारी देने वाला हूं। और दोस्तों बताने वाला इसमें काफ़ी हैवी बम्पर लगा है, देख सकते हैं जो ये सामने लगवा के रखा है भाई ने, बहुत ही हैवी बम्पर है, जिसमें अगर कोई गाड़ी हिट होती तो इनकी गाड़ी को कुछ नहीं होने वाला, अगली वाली गाड़ी का सब हो जाता है काम। तो वीडियो पूरा देखिए दोस्तों, वीडियो को चलिए शुरू करते हैं। आपको भूल गए सब चीज़। क्या नाम भैया आपका? हमारा नाम है अशोक कुमार। अशोक कुमार, और आपके साथ में जो चलते हैं गाड़ी में? पुकराजी। आप पुकराजी और अशोक कुमार आप दोनों साथ चलते हैं गाड़ी में? चलिए ठीक है। टाटा 17 मॉडल गाड़ी है। कितने गियर की गाड़ी है ये? 10 गियर की। 10 गियर की गाड़ी है। इसमें AC वगैरह भी है कि नहीं? AC है। तो AC वगैरह चलाते हैं? हाँ चलाते हैं। अच्छा, कहाँ से आ रहे हैं आप? हम राजस्थान से, मोरबी से MP। MP। और कहाँ जाएंगे आप? हम अब जाएंगे राजस्थान। अच्छा, राजस्थान जाएंगे। तो क्या लोड किए हैं गाड़ी में? हमने कोयला लोड किया है। अच्छा, कोयला लोड किया है। तो अभी आपने मतलब कोयला लेके क्या आए थे माल? हम वहाँ से मोरबी से टाइल्स लेके आए थे। अच्छा, टाइल्स लेके आए थे। तो जो कंपनी की गाड़ी, मतलब आपकी है कि कंपनी की गाड़ी है? नहीं, ये कंपनी की। कंपनी गाड़ी मतलब आप चलाते हैं? हाँ, हम चलाते हैं। कितने साल से भैया ड्राइविंग कर रहे हैं? हम 20-25 साल से ड्राइविंग कर रहे हैं। 20-25 साल से ड्राइविंग कर रहे हैं। तो आप इसी फील्ड, मतलब कि टाटा ये वाली गाड़ी आप कब से चला रहे हैं? हाँ, टाटा वाली ये 4-5 साल से ये चला रहे हैं। उसके पहले आप कौन सी गाड़ी चलाते थे? लीलैंड चलाते थे। लीलैंड चलाते थे। तो फिर लीलैंड आपने क्यों छोड़ा? लीलैंड में थकान बहुत आता है इसलिए। अच्छा, लीलैंड में थकान आता है। तो गाड़ी चलने की माफी कैसी है लीलैंड? लीलैंड है, चलती अच्छी है, गाड़ी अच्छी है। अच्छा। मगर क्या, टाटा लीलैंड थोड़ी कमजोर गाड़ी है, चड्डे में पिकअप नहीं पकड़ती है, दब जाती है। अशोक लीलैंड दब जाती है, दब जाती है चड्डे में। प्लेन में अच्छी चलती है। अच्छा, और जैसे कि आप तो ये गाड़ी चलाते हैं, तो कितने लोड लेके चलती है गाड़ी है? ये 41 टन। 41 टन मतलब 41 टन का आपका अंडर लोड? 42 टन का हमारा कैपेसिटी रहता है। कैपेसिटी अंडर लोड 42 टन। 41 टन में चलते हैं। तो क्या एवरेज निकालती है भैया गाड़ी? ये एवरेज बैठता है ढाई तीन का एवरेज बैठ जाता है। ढाई तीन का एवरेज चलाने पर है, चलाने पर घाट सेक्शन पे, प्लेन पे, चलाने पर सही। अच्छा, तो अभी आपने जो कोयला लोड किया है, आप कहाँ लेके जाएंगे? हम अभी राजस्थान जाएंगे, बांसवाड़ा। बांसवाड़ा मतलब यहाँ से कोयला राजस्थान भी जाता है? हाँ जाता है। तो यहाँ से राजस्थान तो कितना पड़ जाता है? यहाँ कम से कम 1500-1600 किलोमीटर पड़ जाएगा। तो 1500-1600 किलोमीटर आप कोयला लेके जाएंगे, तो आपकी गाड़ी में लोड है, आप कितने दिन में पहुँच जाएंगे? हम 3-6 दिन पहुँच जाएंगे, 3 दिन में। 3 दिन में पहुँच जाएंगे। तो एक दिन में आप कितना चला लेते हैं गाड़ी? हम 2 जने चलाने वाला है। अच्छा, नाइट भर चलाते हैं, एक नाइट में चलाता है, एक दिन में, दो थकान हो जाता है, चलाना लग जाते हैं। तो खाना पीना आप गाड़ी में बनाते हैं? गाड़ी में भी बनाते हैं, टाइम होता है तो गाड़ी में बना देते हैं, टाइम नहीं मिलता है तो होटल पे बना खा लेते हैं। चलिए ठीक है। और क्या क्या प्रॉब्लम होती है आपको इस रूट पे गाड़ी पे? हमें उस रूट पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं? RTO आईटीओ परेशान करते हैं, वो प्रॉब्लम नाइट में ज्यादा चलना पड़ता है, दिन में चलने नहीं देते हैं, एंट्री लेते हैं, ये प्रॉब्लम हमको ज्यादा है। प्रॉब्लम और कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे कि हमको ज्यादातर नाइट में चलना पड़ता है, दिन में चलते हैं तो पुलिस वाले है, आईटीओ है, ये रोक रुका के हमको एंट्री मांग लेते हैं। अच्छा, एंट्री की वजह से हम रुकावट करते हैं। तो मतलब ज्यादातर आपको रात भी चलने में? हाँ, हमको रात को चलना पड़ता है इसलिए। चलिए ठीक। और ये बताइए भैया, जैसे कि आप मतलब कि चलते हैं, तो आपको कुछ भाड़ा वगैरह का नॉलेज हो? कितना भाड़ा मिलता है गाड़ी का, कितना बनता होगा? ये सब हमारा मालिक ही करता है, हमें कुछ लेना, हमारा डीजल मालिक भरा देता है ऑनलाइन से, और खर्चा दे देता है आने जाने का, वो सब मालिक क्या भाड़ा क्या खाली कैसा सब लेन-देन मालिक ही करता है। मतलब आपको कोई मतलब कि गाड़ी कहीं से लोड करना है, मालिक का फोन आ गया? हाँ, वहाँ जाए लोड करना, वहाँ से जाना है, ये माल है, ये हमको लोड करके रवाना। तो आपको क्या सैलरी मिल जाती है मंथली पेमेंट? हम 15,000 से लगा के 16,000 तक सैलरी मिल जाती है आपको, सिंगल ड्राइवर को? सिंगल। और रास्ते का खर्चा वगैरह? खर्चा वो मालिक ही देता है, खर्चा मिलता है आपको। तो मतलब कि आपके हिसाब से पैसे कम नहीं है? 15-16 हज़ार कम है, पर क्या करें, अब
ये तो बात सही है, क्या करें, क्या करें, मजबूरी से करना, मजबूरी से करना पड़ता है। अच्छा, सभी जो भी गाड़ी मालिक हैं, जो भी मतलब गाड़ी चलवाते हैं ड्राइवरों से, तो उनको मतलब कि पेमेंट क्या बांध के रखा हुआ क्या 15-16 हजार से? नहीं, अलग अलग है, कोई देता है कोई देते हैं, ऐसे है, अलग अलग कंपनी में रूट है, कोई ज्यादा भी है पेमेंट, कोई कम भी है, कोई मालिक कम देता है, कोई ज्यादा भी देता है, इसका कोई वो नहीं रहता है, फिक्स नहीं रहता है। और जैसे कि आपको गाड़ी चला रहे हो, कोई मतलब आरटीओ लग गया, पुलिस का लग गया पैसा, फिर वो पैसे कैसे मालिक, वो मालिक पास करता है, उसको पास करना पड़ेगा, मतलब हमारे घर से तो हम देने वाले, हम तो हमारे पास तो ही नहीं, मालिक ही देगा, अगर नहीं होगा तो मालिक डालेगा। अच्छा, मालिक डालेंगे, बाकी तो फिर चलते जाओ गाड़ी से, अपने बस वही काम। और कभी तक कोई दिक्कत चोरी चकारी वगैरह? चोरी चकारी का है इधर थोड़ा, एमपी में, एमपी में है चोरी चकारी का। कहां पे आपके साथ अभी ऐसी कोई घटना? हमारे साथ हुआ इधर। अच्छा, कहां पे हुआ ये? हमारा हुआ ये अपने सेडोल से 20 किलोमीटर आगे, हमारा गाड़ी में एक बार सेडोल से 20 किलोमीटर आगे, जो कि वहां पे जंगल पड़ता है। हां, वहां पे गुनगुटी के जंगल के आसपास होटल पे हमारा गाड़ी खड़ा था, और वहां डीजल निकल गया, होटल वाले ने हमने सूचना दी मगर उसने कोई जवाब नहीं दिया। अच्छा, तो कितने का नुकसान हो गया था? हमारा हुआ 10,000 का नुकसान, ज्यादा नहीं था, 10,000 का डीजल रखा था हमने, 10,000 का डीजल। तो क्या टंकी फोड़ के निकाले थे कैसे? नहीं, ऊपर से वो वाल खोल के, अच्छा वाल खोल के पाइप डाल के निकाल दिया। तो फिर तो ऐसे में तो फिर बहुत ही सारी दिक्कत है, मतलब दिक्कत ही है, प्रॉब्लम आती है नाइट में, बहुत प्रॉब्लम आती है, इसलिए हम दिन में ज्यादा चलते हैं। एमपी में हम दिन में नहीं चलते, दिन में चलते हैं, रात में चलते, दिन में बहुत कम। अच्छा, रात में चलते, दिन में बहुत कम चलते, पुलिस वाले परेशान करते हैं, बाकी ये भी सही है, बाकी हर जगह खड़ी नहीं कर सकते हैं एमपी के। और क्या प्रॉब्लम लगी आपको इस रोड लाइन में? बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं, अब रोड ठीक ही है, चलने का अच्छा है, रूट ही अच्छी है, मगर हमको चोरी चिकारी का थोड़ा ये डर लगता है, पुलिस वाले ये I2 है, Y2 है, ये परेशान ज्यादा करते हैं, परेशान करते हैं, गाड़ी बाहर नंबर दे के ये परेशान लोग करते हैं हमको। अच्छा, और जैसे कि आपकी गाड़ी जो बताया आपने कि ये कितने मतलब कि 41 टन पास लोड लेके चलती है, तो ये कभी घाट वाट में मतलब ऐसे चढ़ाई में कभी ऐसा तो नहीं? कभी रुकावट नहीं, चढ़ जाती है, रुकावट नहीं आई, नहीं इतनी आती है। अब ये गाड़ी कितनी पुरानी? 2017 मॉडल, ये 2017 का मॉडल है। अभी तक इसमें कितना काम खर्चा आ गया होगा गाड़ी? अभी अभी कोई काम नहीं करवाया हमने, छोटा मोटा करवा देते हैं, कोई नट बोल्ट टूट जाता है, ऑयल पानी है, ग्रीस पानी है, ये टाइम टू टाइम करवा देते हैं। और बाकी गाड़ी का इंजन और गियर बॉक्स वगैरह में सब कंप्लीट है, ओके है, कोई काम खर्चा नहीं, कोई खर्चा। कितनी चल गई हुई है गाड़ी अभी? ये चल गई है अभी, ये चली हुई है, इसका किलोमीटर बंद था पहले। अच्छा, अभी ये ज्यादा चल गई है बहुत, मैंने अभी कम बता रहा, 20 मिनट चेन टूट गई थी इसलिए। अच्छा, मतलब कि फिर भी लगभग अभी है लगभग 44,55,051 किलोमीटर है। अच्छा, 4,55,000 किलोमीटर। अच्छा, 4,00,000 किलोमीटर चल गई, मतलब कि आपने गाड़ी को अभी 5-6 लाख चला चुके हैं, फिर भी बहुत गाड़ी चल गई है। तो आप जैसे 15,000 को मिलता है, तो आप तो वहीं राजस्थान के रहने वाले हैं? राजस्थान के रहने वाले हैं। तो आपको और भी मतलब और भी कुछ काम करते थे इसके पहले की गाड़ी ही चलाया हमने हमेशा? नहीं, हम गाड़ी की लाइन नहीं पकड़ लगी, गाड़ी पकड़ी आपने। तो पहले तो आप पहले बताया कि आप अशोक लेन चलाते थे, उसके बाद फिर आपने ये टाटा के यही वाले चलाए? टाटा चलाने लगे, तो टाटा यानी वेस्ट, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी चले रहो, कहीं भी चले रहो। अच्छा भैया, मुझे एक बात बताइए, जैसे कि आप चलते हैं इस भाड़े में गाड़ी, तो आपको कभी लोड का भी समस्या होता है कि भाड़ा नहीं मतलब काम नहीं आ रहा है, तो आप खड़े हैं कहीं पे 5-4 दिन ऐसा कुछ होना पड़ता है? खड़ा रहना पड़ता है। माल नहीं है मार्केट में, माल नहीं है कोई। अच्छा, तो हमको 4-5 दिन से खड़ा रहना पड़ता है। तो आप गाड़ी चला रहे थे, कभी भविष्य में सोचा कि आप भी गाड़ी लो अपनी और खुद से चलाओ? वो भविष्य में है, पर ना बस अपने पास वो पेमेंट वगैरह नहीं रहता है, इसकी वजह से कैसे लेवे। सही बात है, मतलब कि पेमेंट भी एक इशू हो जाता है कि उसके कारण भी आदमी एक बार सोचता है कि क्या करा जाए, क्या नहीं करा जाए। और मुझे एक बात बताई हुई है, जैसे कि आप कोई गाड़ी लेना सोच रहा है, तो कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए उसको? नया मालिक कोई अगर काम सोच रहा है गाड़ी उठाने का, तो क्या गाड़ी उठानी चाहिए उसको? अभी तो बहुत सारी कंपनियां आ रही है, अलग अलग मालिक की मूड पे, कोई लीलैंड ही लेता है, लीलैंड अच्छे, लीलैंड कोई टाटा है, आइसर है, महिंद्रा है। अच्छा, अभी मॉडल नए उच्च उच्च मॉडल की गाड़ियाँ निकल रही हैं, अब वो मालिक के ऊपर ही निर्भर रहती है। अच्छा, और क्या बोलते हैं कि ये आप बताइए, कौन से लाइन में काम ज्यादा है रोड लाइन पे? जैसे कि आप गाड़ी तो हो गई, एक डंपर हो गया, एक अंडर मतलब बॉडी वाला हो गया जो कंटेनर चलता है, और आपका जो ट्राला वाला हो गया, किस मतलब किस में ज्यादा काम अच्छा है, किस वाली गाड़ी में? अभी देखो लोकल में तो ये बड़ी बड़ी कंपनी में चलते हैं, तो डंपर ही चलते हैं हमारा, ये ट्रोला वाले गाड़ियाँ लंबी चलती है ये। अच्छा, लंबी वाली चलती है।
तो उधर ज्यादातर ये मार्केट लंबी गाड़ी की है, लंबी गाड़ी मार्केट, और छोटी वाली जो 16 चक्के गाड़ी है ये तो कोई माइंड में खदान है, लोकल ऐसे ही चलते हैं, ये ऐसे ही चलते हैं वगैरह वगैरह है ना। चलिए भैया बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका और कहाँ कहाँ आपने मतलब ऐसे जगह गए हो जहाँ पे मतलब काफी दूर पड़ता हो जो? हम भाई यहाँ एमपी तो लास्ट आते हैं, ज्यादा दूर जाते भी नहीं, कभी बेंगलोर की तरफ चले जाते हैं। अच्छा, बाकी गुजरात एमपी महाराष्ट्र एमपी महाराष्ट्र। तो कौन सा स्टेट अच्छा लगा आपको गाड़ी के मामले में, जैसा कि जो लूटपाट से भी सस्ता अच्छा हो, जहाँ लूटपाट भी नहीं होती हो, और जैसे कि आपको जैसे बताया कि चोरी चकारी भी होती है ना, तो कौन से राज्य में ऐसा कि जहाँ अच्छा लगता कि गाड़ी चलाने में? अभी ठीक है, एमपी भी ठीक है, ऐसा कुछ खास प्रॉब्लम वाली बात नहीं, पहले था तो ध्यान रखना पड़ता है, इतनी चोरी चकारी नहीं, अपन लापरवाही करते तो हो जाती है। और पुलिस वगैरह आरटीओ का? आरटीओ का पुलिस वगैरह इधर थोड़ा है एमपी के अंदर, इसे परेशान करते हैं ये लोग। अच्छा, लोकल वाले गाड़ियों को नहीं करते, हमको गाड़ियों को नंबर देके ही करते हैं। अच्छा, बाहर की बाहर की गाड़ी है तो रुकवा के हमसे लेंगे, ये 100-200 से भी नहीं मानते, डायरेक्ट 500-1000 से ही बात करते हैं, 500-1000 से बात। हाँ, तो भैया आपको मतलब कि राज्य के हिसाब से आपको एमपी भी सही है, कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं, एमपी भी सही लग रही है, थोड़ा बहुत मतलब ये प्रॉब्लम आ जाता है, कभी कभी आ जाता है, बाकी सब सही है, एमपी भी सही। चलो ठीक है भैया, बहुत भैया उम्मीद करते हैं आपकी यात्रा मंगल में हो, अच्छे से जाइए, ठीक है, और अच्छे से चलिए आप गाड़ी पे, ठीक है भैया, ठीक है। तो हम वीडियो को भी एंड करते हैं, ठीक, चलिए भैया, ठीक।